हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये होने वाला है मीशो हॉल, जिसमें मैंने कुछ मटर्निटी ड्रेसेस ट्राई करी थी जो मैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम भी मैंने पहनी है और अब डिलीवरी के बाद भी मैं पहन रही हूँ। लेकिन हम हर बार ये सोच के मंगाते हैं कि ड्रेस अच्छी ही आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ड्रेसेस उसमें ख़राब भी आ जाती हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ड्रेसेस की तरफ ले चलती हूँ। तो फर्स्ट ड्रेस है हमारी ये रेड कलर की प्रिंटेड ड्रेस। ये एक मटर्निटी ड्रेस है और फीडिंग ड्रेस भी है। यहाँ पे आपको जिप मिल जाती है दोनों साइड, तो आराम से आप बेबी को फीड करा सकते हैं। अगर मैं स्लीव्स की बात करूँ तो 3/4 स्लीव्स हैं इसमें। और अगर मैं पूरी ओवरऑल ड्रेस की बात करूँ तो ये नी लेंथ की ड्रेस है, वी नेक है। और अगर टमी एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्लेयर मिल जाता है आपको, जिससे आपको टमी एरिया पे इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब बहुत ब्रीदेबल आपको स्पेस मिल जाता है। और ये पूरा ओवरऑल ड्रेस है। मटेरियल की बात करूँ तो ये कॉटन मटेरियल है। मीशो के साथ मुझे हमेशा साइज़ को लेके प्रॉब्लम रही है, तो मैं तुक्के में साइज़ ऑर्डर करती हूँ जो सही आया था, क्योंकि मैंने ज़्यादातर मैं मीडियम पहनती थी, तो मैंने एक साइज़ अप करके ऑर्डर किया था लार्ज। तो इसमें मुझे फिर भी ये साइज़ ठीक आया है, तो मैं इस ड्रेस को रिकमेंड कर सकती हूँ और काफ़ी अच्छी लगती है ये देखने में। रेड कलर की ड्रेस है, प्रिंटेड ड्रेस है और फीडिंग ड्रेस है, तो आप इसे डिलीवरी से पहले भी पहन सकते हैं और डिलीवरी के बाद भी पहन सकते हैं। दूसरे ड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो ये एक टाई एंड डाई ड्रेस है। ये ऐसी ड्रेस है, टाई एंड डाई जो होता है उसका ड्रेस है। कॉटन मटेरियल है, नेक इसका ऐसा है। यहाँ पे आपको दो डोरियाँ मिल जाती हैं बांधने के लिए और आराम से आप एडजस्ट करके बांध सकते हो। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये हुई, जब मैंने ये ड्रेस ऑर्डर करी थी तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और जब मैंने इसे धोया तो एक वॉश के बाद इसका कलर ऐसा हो गया, मतलब पूरा ब्लू कलर वाइट पे आ गया। तो अब ये इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी उस टाइम लगती थी। इसमें मैंने एक वीडियो भी डाला था। ये एक नीलेन ड्रेस है और अगर मैं इसका टमी एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा फ्लेयर मिल जाता है, तो टमी एरिया पे भी आपको कंफर्टेबल फील होता है। वैसे ये ड्रेस अच्छी है, बट थोड़ा कलर को लेके मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। थर्ड ड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे पास अभी है नहीं, यहाँ मैंने लिंक डाल दिया है, उसकी एक वीडियो भी आपको दिखा दी है। ये ड्रेस बहुत अच्छी है, ये मैं पहले भी पहनती थी, ये मैं अभी भी पहनती हूँ, लेकिन ये मटर्निटी ड्रेस नहीं है, तो इसमें आपको फीड कराने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल ये ड्रेस बहुत अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है और इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इस ड्रेस को मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। लिंक एंड प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये था पूरा मीशो हॉल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।